वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग इस वक्त चैप्टर नंबर 3 पर बात कर रहे हैं और आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर ही रहे हैं हम लोग। और इस वक्त हम लोग थर्ड पार्ट पे हैं। क्या है थर्ड पार्ट, देखते हैं। तो थर्ड पार्ट कुछ ऐसा है कि हमारे पास है 3x - y = 3 और दूसरी इक्वेशन है 9x - 3y = 9। सो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को हम लोगों ने मेंशन कर दिया। तो कोई भी इक्वेशन हम ले सकते हैं, मैं ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन मैंने ले लिए। यह है 3x - y = 3। वाई यहाँ माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। वहीं ये आ चुकी है 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। तो एक इक्वेशन हमारे पास x = 3 + y / 3 आ चुकी है। अब इसी इक्वेशन को हम लोग ले लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ टेक x = y + 3/3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में ये मैं रख रहा हूँ। तो जैसे कि इक्वेशन 2 क्या थी मेरी, 9x - 3y = 9। तो यहाँ x की प्लेस पर ये पूरी वैल्यू रख देते हैं। तो जैसे ही रख दिया तो कुछ ऐसे आ गया। अब ये 3 जो है बाहर वाले 9 से डिवाइड हो सकता है। 9 3 1 3 और 3 × 3 9 होता है। तो 3 आ चुका है और अब ये जो 3 है अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। सो 3 × 3 9 और 3 × y 3y। अब ये +3y से -3y कट हो सकता है, कट हो चुका है और बिल्कुल 0 आ जाएगा। मतलब जब सेम नंबर होते हैं तो 0 ही आ जाता है। और 9 + 0 9। तो ऐसा होने के बाद अब ये क्या हुआ, हमारी y की वैल्यू तो आई नहीं। ये तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला हो गया। तो मुझे पता है आप स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो चुके होंगे कि ये हुआ क्या, ये तो आंसर कुछ रॉन्ग हो गया है और आगे पता नहीं कैसे होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कभी आप फंस जाओ तो आपको एक बात पे ध्यान देनी है। अगर मैं आपको दोनों इक्वेशन दिखाऊं, तो जैसे कि ये सेकंड इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन तो आपको याद ही होगी। तो ये सेकंड इक्वेशन हमारी कुछ ऐसे थी, 9x - 3y = 9। तो अगर मैं यहाँ 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचता है 3x - y = 9। और ये बाहर से 3 जो है 9 को डिडक्ट कर देगा और बिल्कुल इक्वेशन नंबर 1 जैसे ही आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमारी सेम थी। और अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या निकलेगा, ये भी एक मसला है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या निकलेगा, मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हम क्या निकालें, क्या हमारी आ सकती है। तो अगर ऐसा कुछ हमारे पास मैटर आए तो उसका एक तरीका है सॉल्व करने का। हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं इसके बाद, क्योंकि मतलब ये है कि अगर हम कहीं से भी, अगर मैं एक्स की वैल्यू भी वाई की वैल्यू भी निकाल कर करूँ तब भी कुछ ऐसा ही आंसर आएगा मेरे पास। और ऐसे में फिर हम एक स्टेटमेंट नीचे डाल देते हैं। हम लिखते हैं दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू ऑल ऑफ वाई, हाउ एवर, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, सही है। हाउ एवर वी डू नॉट गेट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वाई अ सॉल्यूशन, यानी कि हम लोग वाई का कोई वैल्यू नहीं एक बता सकते हैं। Therefore, we cannot obtain the specific value of x. ना तो हम y की वैल्यू को कोई बता सकते हैं, ना ही x की वैल्यू को कुछ बता सकते हैं। This situation has arisen because both given equation are same. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। Therefore, the equation 1 and 2 have infinite many solution. इसका मतलब ये हो गया equation 1 और 2 में दोनों तरह के कई सारे इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। मतलब इतने सॉल्यूशन निकलेंगे कि गिनते गिनते थक जाओगे। तो x की वैल्यू हम इन्फिनाइट मान लेंगे और y की वैल्यू भी इन्फिनाइट मान लेंगे क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। तो ऐसा इसलिए आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा आंसर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप आंसर शीट में खुद चेक कर सकते हो, NCERT की बुक में ही एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर
वन का जो ये थर्ड पार्ट है इसमें आप पीछे से चेक कर सकते हो, तो यही सब कुछ आ रहा है। तो कृपया करके ये ध्यान रखें और जल्दी जल्दी करें अब इस क्वेश्चन को। पीछे भी इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन ही लिखा हुआ है, सो कर लीजिए आप लोग। हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर वन का ये थर्ड पार्ट था, सेम ऐसे ही आपका एग्जांपल नंबर सिक्स है। तो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल नंबर सिक्स कर रहे हैं। इन अ शॉप, तो एग्जांपल कैसा है ये देखिए। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज 9। तो 2 पेंसिल और 3 इरेजर अगर आप परचेस करते हो तो वो 9 रुपीज़ की हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज 18। 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदने पर 18 रुपए की हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। अब कॉस्ट निकालनी है पेंसिल की भी और इरेजर की भी, तो निकालना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो हम लोगों को इन्हें एक्स और वाई की वैल्यू में लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल कंसिडर एज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन कंसिडर एज वाई। तो पेंसिल की कॉस्ट हमने एक्स मानी है और पेंसिल की कॉस्ट हमने वाई मानी है। तो ये कुछ ऐसी वैल्यू आ गई, 2x + 3y = 9। यानी 2 तो पेंसिल हैं और 3 इरेजर हैं, तो 9 आ चुकी है एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है 4x + 6y = 18। यानी 4 तो पेंसिल हैं और 6 इरेजर्स हैं, तो ये 18 आया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ तो ये आता है 2x + 3y = 9। यहाँ 2x, यहाँ 3y प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है। वहीं 2 यहाँ मल्टीप्लाई, तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। ऐसे में x की वैल्यू हमारी 9 - 3y / 2 आ जाएगी। इसी x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब हम लोग इसको रखते हैं तो ये इक्वेशन थी हमारी 4x + 6y = 18। तो यहाँ x की प्लेस पर हमने ये वैल्यू पुट आउट कर दी। जैसे ही पुट आउट की आगे देखते हैं तो ये 4 जो है ना, ये अंदर जा सकता है। 4 9 36 होता है और 4 × 3 = 12 होता है। तो अरे ये तो कट भी हो सकता था, लेकिन अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो चलते हैं। अच्छा, ये जिसका कोई नहीं उसका एक है, तो ये जो 2 है 6 से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आगे कर लेते हैं, नीचे जगह नहीं है, 2 6 12 यहाँ पे हम रख सकते हैं। ठीक है, 2 × 6 ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये 12 आ चुका है। अब ये माइनस का 12, ये प्लस का 12, फिर से आपस में कट गए। बचा क्या, 36 - 0 यानी 36/2। और 2 को अगर 36 से डिवाइड करूंगा फिर 18। अब 18 = 18 तो आ रहा है, लेकिन मेरी ये x की और y की वैल्यू एक तरीके से नहीं आई। अब जब नहीं आई तो अब हम क्या करें, तो इसमें फिक्र करने वाली बात नहीं है। जिस तरीके की प्रीवियस क्वेश्चन किया इसी तरह से हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम है। सेम कैसे है, अब देखिए, ये थी 2x + 3y = 9 और ये है 4x + 6y = 18। अब यहाँ पर अगर 2 कॉमन ले लेना हम सेकंड इक्वेशन में, तो ये 2 कॉमन लेने पर अंतर बचता है 2x + 3y, और ये 2 18 से डिवाइड हो सकता है। डिवाइड होने के बाद वही इक्वेशन दोबारा से हमारे पास रिवर्स होकर आ चुकी है जो इक्वेशन नंबर 1 थी, क्योंकि थी 2x + 3y = 9। सेम वही इक्वेशन आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वेशन हमारे पास सेम हैं, और कुछ मल्टीप्लाई कर ऐसा कुछ हमें नई इक्वेशन बनाकर दिखा दिया। इसका मतलब हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो हम लोग इसमें घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग इसमें एक स्टेटमेंट डालेंगे। स्टेटमेंट ये है कि डालेंगे हम लोग कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ऑल द वैल्यू ऑफ वाई, However, we do not get specific value of y. तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों को कोई y की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिली,
और हमें x की भी कोई भी वैल्यू स्पेसिफिक नहीं मिली, कोई एक नंबर नहीं मिला। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस सिचुएशन हैज़ अराइजन बिकॉज बोथ द इक्वेशन आर सेम, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम थी। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू के अकॉर्डिंग हम लोग ये मान लेंगे कि एक्स वाई के इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ तक अगर आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा तो अब आप लोग इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बाकी के रहे क्वेश्चंस की बात तो वो आपके पास आते रहेंगे। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कर रहे हैं, और इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में अब हम फोर्थ पार्ट पर आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर वन के फोर्थ पार्ट पर, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर वन, और ये फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट कुछ ऐसे है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, और दूसरी इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ये दो इक्वेशंस हैं। अब कुछ बच्चे क्या होगा कि पॉइंट देखकर घबरा जाएंगे कि सर ये तो पॉइंट्स में है, इनको कैसे किया जाए। तो देखो, या तो आप पॉइंट्स को रख के ही आप एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकाल दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल रखी है, या फिर आप पॉइंट्स ही हटा दो। पॉइंट्स कैसे हटाएंगे, देखिए अगर आप 0.2 देखते हैं तो 0.2 को का अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो नीचे 10 आएगा, 0.3 का अगर डेसिमल हटाऊं वहां पर भी 10 आएगा, और 1.3 का डेसिमल हटाऊं तो वहां पर भी 10 आएगा। तो देखा जाए तो दोनों तरफ से 10 जो है डिडक्ट हो सकते हैं। कैसे, देखो भाई, अगर ये 2x अपॉन 10 और 3y अपॉन 10, यहाँ पर ये कॉमन ले लिया जाए अगर, तो 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, दोनों आपस में डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड है, दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कट ही जाएंगे। तो एक तरह से मेरी एक इक्वेशन ये आ चुकी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। वही इसी तरीके से 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें भी ऐसे ही करते हैं, दो तीनों के पॉइंट्स हटा देते हैं तो अपॉन में 10 आ जाएगा। ये 10 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 10 यहाँ 10 दोनों आपस में कट हो जाएंगे और बचेगा आपका 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो ये इक्वेशन सेकंड है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस आपको मिल चुकी हैं। अब दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन को आगे जारी रखना है। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उसी को हमें करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस जैसे कि हमने कर ली थी, तो ये दोनों इक्वेशंस को मैं एक इक्वेशन हम फर्स्ट इक्वेशन रख लेते हैं और ये सेकंड इक्वेशन ये रही। अब हम लोग फर्स्ट भी ले सकते हैं सेकंड भी। अब दो बार हम सेकंड इक्वेशन ले चुके हैं तो अब की बार मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ। तो ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 है, तो जो ये 2x है दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है, वहीं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पर 13 माइनस 2x अपॉन 3 आ चुकी है। इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो जैसे कि आपकी सेकंड इक्वेशन थी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, यहाँ y की प्लेस पर हमने ये वैल्यू पुट आउट कर दी। तो अब हमें आगे क्या करना है, तो भैया सुनो, ये 3 डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और आपको पता होगा कि ये जो दूसरा वाला नंबर है जिसके नीचे कुछ भी नंबर नहीं है, तो अगर हमें इसको इससे प्लस करना है, इस पूरी इक्वेशन से प्लस करना है, तो आपको पता होगा कि ये नीचे वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 × 4 हम रख देंगे और बाकी ये तो है 5, ब्रैकेट में ये नंबर था 13 − 2x, तो आगे करते हैं। तो 3 × 4 होता है 12। अब ये 5 बाहर क्यों रहेगा, 5 को भी अंदर भेज देते हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई 13 से हुई तो 65 आया, और 2 से हुई तो -10 आया। इसके बाद 12x -10x इन दोनों को एक साथ रख देते हैं, तो 12 में से 10 माइनस हुए तो 2 आ गया, 65 प्लस का यहाँ पर रहा।
और ये 3 यहाँ पर डिवाइड है, दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 into 3। तो 23 into 3 होने के बाद 69 आएगा। वहीं 65 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। 69 minus 65 ये आ चुका है 4। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से x की वैल्यू आपकी 2 आ चुकी है। तो चलिए अब हम ढूंढते हैं y की वैल्यू को भी। तो y की वैल्यू अगर हम ढूंढना चाहें तो हम फर्स्ट इक्वेशन में ढूंढ सकते हैं और सेकंड में भी ढूंढ सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है। तो हम रख देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ये थी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन रखने के बाद 2x + 3y = 13 था। y की x की प्लेस पर हमने 2 रख दिया, तो 2 into 2 + 3y = 13। तो 2 2 होता है 4। 4 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है। 13 - 4 आपका 9 आ जाएगा। और ये 3y = 9, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई, दूसरी ओर जाकर डिवाइड, तो 9/3, तो ये आ जाएगा आपका खाली 3। यानी 3 into 3 9 होता है ना, तो 3y की वैल्यू 3 आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में। इसके अलावा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी क्लियर हो चुका होगा, इसके कॉन्सेप्ट, इसका बेस। तो जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लाएंगे पहली एक्सरसाइज के साथ। और तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ, इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।